हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी एम्ज़ोन कोर एक्सप्लेंडेबल मेमोरी 512 GB आप कैसे कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या क्या कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा इस सैमसंग गैलेक्सी एम्ज़ोन कोर फोन में। तो सिंपली गाइस, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा एक्सप्लेंडेबल मेमोरी आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो या एक्सप्लेंडेबल मेमोरी मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो अपने स्टोरेज को। ठीक है सिंपली गाइस, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा गाइस, मैं छोटा सा वीडियो है इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा एंड वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर लेना। एंड गाइस, बताने वाला हूँ सैमसंग के फ़ोन में क्या आपको करना है। सबसे पहले गाइस, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना क्योंकि इस तरीके के कंटेंट देखने के लिए। तो सिंपली गाइस, आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग करना है। सिंपली गाइस, इधर से मैं आता हूँ। आने के बाद गाइस, आपके फ़ोन में एक फाइल के नेम से ऑप्शन होगा। सिंपली गाइस, फाइल के नेम को ऑप्शन को आपको इस वाले ऑप्शन को सिंपली आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पर सिंपली गाइस थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद गाइस, यहाँ पर देख सकते हो इंटरनल स्टोरेज एंड इसके साथ नीचे आप अगर आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड इंस्टॉल किया हो तो मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली गाइस, ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। सिंपली गाइस, आपको क्या करना होगा, आपके पास जितने GB का मेमोरी कार्ड या SD कार्ड है उसको अपने फ़ोन में लगाना होगा। ठीक है, जिससे कि आपका एक्सप्लेंडेबल मेमोरी बढ़ जाए। जो बोलते हैं ना गाइस, एक्सप्लेंडेबल मेमोरी 512 GB 48 GB तक हम बढ़ा सकते हैं, तो यही है गाइस, एक्सप्लेंडेबल मेमोरी आप बढ़ा सकते हो। अगर आपके इंटरनल स्टोरेज पर जगह कम है या आप मतलब एक्सप्लेंडेबल मेमोरी को बढ़ाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए सिंपली गाइस, आप जितने भी GB का SD कार्ड लगाओगे उतना GB आपका एक्सप्लेंडेबल बढ़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेंडेबल मेमोरी अगर आपने लगा दिया, लगाने के बाद गाइस छोटा सा दो काम करना होता है या एक काम करना होता है, दो ऑप्शन बताऊंगा, वो दोनों एक ही ऑप्शन है। सिंपली गाइस, मैं हर वीडियो पे उसको बताता हूँ, तो आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करना। सबसे पहले गाइस, मेमोरी कार्ड आपने इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद आपका फ़ोन अगर स्लो हो जाता है थोड़ा सा, तो इसके लिए वो सेटिंग दिया हुआ है आपके फ़ोन में। सिंपली गाइस, वही आपको बताऊंगा क्योंकि SD कार्ड आपके फ़ोन में डालने के बाद थोड़ा सा आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। सिंपली गाइस, उस ऑप्शन को आपको कैसे अनेबल करना होगा। सिंपली गाइस, मैं सेटिंग में चले जाता हूँ। सिंपली इधर से मैं गाइस सेटिंग में आता हूँ। सेटिंग में आने के बाद गाइस, सिंपली थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद गाइस, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ। एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल आता हूँ। आने के बाद गाइस, देख सकते हो यहाँ पर रिमूव एनिमेशन का, ये मैं आपको पहले भी वीडियो बना के बता चुका हूँ इसके बारे में क्या करना होगा। ये गाइस, एक आपको रिमूव एनिमेशन को ऑन कर देना होगा जिससे कि आपका फ़ोन फास्ट हो जाएगा, जिससे कि आपका फ़ोन थोड़ा सा भी स्लो वर्क नहीं करेगा। सिंपली गाइस, उसके साथ साथ फिर से आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में आने के बाद गाइस, सिंपली यहाँ पर सिस्टम सेटिंग में आने के बाद, डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद गाइस, आपको इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इसको आप ऑफ पे रख सकते हो। सिंपली गाइस, नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको एक तीन ऑप्शन मिलता है, एक नहीं गाइस तीन ऑप्शन मिलता है, विंडो एनिमेशन स्किल, तो इसको गाइस आपको तीनों का तीनों ऑफ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तीनों के तीनों को ऑफ पे क्लिक करना होगा जिससे कि आपका फ़ोन फास्ट हो जाएगा एंड आप मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करने के बाद भी आपका फ़ोन थोड़ा स्लो भी नहीं होगा एंड लैग भी नहीं करेगा। तो गाइस, ये मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी एम्ज़ोन कोर एक्सप्लेंडेबल मेमोरी 512 GB 16 GB 48 GB जितना भी आप बढ़ा सकते हो उतने का SD कार्ड लगाओगे तो एक्सप्लेंडेबल हो जाए आपका आपके फ़ोन में। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।